दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप बिहार के हैं तो आप किस तरह ऑनलाइन आई प्रमाण पत्र न्यू वेबसाइट से बना सकते हैं। जो जुलाई 2019 में जो नया अपडेट है, नया अपडेट के साथ न्यू वेबसाइट पे आप न्यू तरीका से बना सकते हैं आई प्रमाण पत्र। इससे पहले मैंने बताया था आपको लोग आवासीय कैसे बनाए, उसमें आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैंने आपकी जरूरत वाले बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप उसे देख लीजिए। आपकी भी जरूरत की बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिए, आप उसे भी देख के आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। तो इस वेबसाइट पर आना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, serviceonline.bihar.gov.in। इस पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर होना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर योर सेल्फ पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लिक कर देना है आपको। रजिस्टर योर सेल्फ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें आपको अपना नाम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड रखना होगा। पासवर्ड कम से कम आप 8 अक्षर का रखिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक रखिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पासवर्ड किस तरह के यहाँ पे दिया गया है, जो भी पासवर्ड रखना, आप अगर अपना नाम ही रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपका नाम अमन है, ठीक है, अमन, AMAN अमन है, तो पहला अक्षर ए जो है उसको ए कैपिटल में दीजिए, MAN स्मॉल में, यानी जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उसके पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद आप स्मॉल दीजिए, उसके बाद आप एक स्पेशल चैप्टर दीजिए, जैसे एट द रेट एंड इक्वल टू माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल, उसके बाद आप कोई नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3 7 8 9 जो भी देना है दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चर इंटर करेंगे, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह अपना अकाउंट यहाँ पे बना लीजिए, जब आपका अकाउंट बन जाए तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड देना है, उसके बाद कैप्चर यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, सर्विस प्लस की डैशबोर्ड ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे होम मेन्यू हैं। तो अप्लाई फॉर सर्विस आप देख पा रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन खुलेगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, ये देख पा रहे हैं, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे सर्विस आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे, यहाँ पे एक शॉप बटन है, शॉप पे क्लिक करके यहाँ पे 100 आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका सारा सर्विस एक ही लिस्ट में शो कर दे। इस पोर्टल पे अभी तक 41 सर्विस आ चुकी है, ठीक है। तो हम जो आपको बताने वाले आय प्रमाण पत्र CEO से जो बनता है वो ऑनलाइन कैसे बनाए, पहले RTPS वेबसाइट से बनता था, अब बंद कर दिया गया। तो चलिए यहाँ पे दिया गया 32 में 32 नंबर में दिया गया है, इनकम सर्टिफिकेट एट CEO लेवल, CEO से आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे इस सर्विस पे। तो चलिए जैसे इस सर्विस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख फॉर्म मिल गया है, इस फॉर्म में दिया गया है सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट किया, आप कौन, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन, यानी कि अपने नाम के साथ श्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं लगाना चाहते तो कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसका आप बनाना चाहते हैं आए उसका नाम देंगे, किसी के भी नाम से आईडी है तो उससे कोई मतलब नहीं, जिसका आप बनाना चाहते हैं वो देंगे। एक रजिस्ट्रेशन करके एक आईडी इस पोर्टल में बना के आप सभी का ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम देने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा, अगर हिंदी में नहीं होता तो आपको इस वेबसाइट पे आना, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं।
इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे एक इंग्लिश का इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी लैंग्वेज क्योंकि हिंदी में चाहिए। उसके बाद जिस तरह आप व्हाट्सएप पे लिखते थे उसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। जिस तरह देख लीजिए बिहार लिखा मैंने, अब इंडिया लिखता हूँ इंडिया, देख लीजिए जिस तरह व्हाट्सएप पे लिखे उसी तरह आप लिखे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी पे कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए मैंने लिख लिया, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको कॉपी करके जहाँ भी देना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हिंदी में हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिए इसी तरह। उसके बाद फादर्स नेम मदर नेम आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में देना है। उसके बाद हस्बैंड नेम खाली छोड़ दीजिए, अगर है तो दे भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दे दीजिए, अगर है तो दे भी सकते, नहीं तो आप दोनों खाली छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस भी खाली छोड़ सकते। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, आपका स्टेट कौन सा स्टेट है आपका वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक पंचायत वार्ड नंबर, यानी पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे देना, ग्राम पोस्ट पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन। यहाँ मैं बता दूँ ये जो जिस भी बॉक्स में लाल स्टार लगे हुए हैं उस बॉक्स को आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है, जिसमें लाल स्टार लगा उसको भरना अनिवार्य, जिस बॉक्स में लाल स्टार नहीं लगा अगर उसको नहीं भरेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, लेकिन जिसमें लाल स्टार लगा उसको भरना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पे गांव डाकघर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना दे देंगे, अगर है तो दे भी सकते नहीं तो नहीं दे। अगर आधार नंबर देंगे तो आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जब आप ओटीपी इंटर करेंगे तभी आप बना पाएंगे, अगर आपका रजिस्टर मोबाइल नहीं है तो आप यहाँ पे आधार कॉलम खाली छोड़ दीजिए आपका हो जाएगा। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर है तो उसको खाली छोड़ दीजिए फिर भी हो जाएगा। अगर आधार नंबर देंगे तो ओटीपी देना होगा। तो यहाँ पे पैसा में क्या करते हैं आप चाहते हैं, सरकारी सेवा निजी व्यापारी किसान गिरनी जो भी वो आप सेलेक्ट किए, मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता। यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक आवेदन का उद्देश्य किस लिए आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जॉब के लिए या एडमिशन के लिए या अकाउंट ओपनिंग के लिए, जो भी चीज़ के लिए आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये पूछ रहा है आपकी साल में होने वाली सरकार से सरकारी आय क्या है, जीरो भर देते। व्यवसाय से होने वाले साल में क्या आय है, उसके बाद यहाँ पे कृषि से आने वाले आय, उसके बाद अन्य स्रोत से आने वाले आय। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 50,000 मैंने दिया, यहाँ पे कुल वर्ष। यहाँ पे एप्लीकेटी का फोटो मांग रहा है, तो यहाँ पे एक फोटो आपको अपलोड करना है जिसकी केबी 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए। 20 KB से कम दीजिएगा तो ये अपलोड नहीं लेगा, तो 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है कि अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। उसके बाद ये घोषणा पत्र आपको पढ़ लेना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर इंटर करना, कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते कैप्चर, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। आप ड्राफ्ट भी सेव भी कर सकते हैं, बाद में सबमिट कर सकते हैं, या अभी भी सबमिट कर, मैं अभी सबमिट करूँगा तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जांच लीजिए, सही है तो ओके कर दीजिए, अगर सही नहीं है तो कैंसिल करके आप चेक कर लीजिए। मेरा सही है तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करना, यहाँ पे इरोड आ रहा है CIDR रिक्वेस्ट रीड टेम आउट। अगर इस तरह का आपके पास अगर इस तरह का कोई इरोड आपको आता है या किसी भी तरह का इरोड आता है तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर इस तरह का इरोड आता है तो आपने आधार नंबर दिया होगा तब आपको ये इरोड आ रहा है, तो आप करना क्या, आपको आधार नंबर वाले बॉक्स को खाली छोड़ देना, आधार नंबर हटा देना है। ये सर्वर की वजह से होता है, आप अपलोड सबमिट कीजिएगा हो भी जाएगा, जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आपको आधार नंबर हटाना होगा। जब आधार नंबर आप हटा दीजिएगा उस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिएगा तब आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए हम इसको आप आधार नंबर को हटा देते हैं, जो मैंने आधार नंबर फिलअप किया, आधार नंबर फिलअप करने के बाद मैंने सबमिट किया, यहाँ पे देख लीजिए सबमिट हो चुका। उसके बाद हमारे द्वारा दिया गया सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाए, कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको पूरा चेक कर लेना आपके द्वारा भरा गया डिटेल। उसके बाद यहाँ पे एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है, अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपका ये सबमिट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अपलोड करते हैं, अटैच पे क्लिक करते हैं। अटैच पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज टाइप, तो दस्तावेज आप क्या देना चाहते हैं, तो जो भी दस्तावेज आप देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जो भी देना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी देना है आपको वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इशू बाय, इशू बाय, ठीक है, इशू बाय जो देख रहे हैं इसको आपको खाली छोड़ देना है, इशू डेट को भी खाली छोड़ देना है, और रेफरेंस नंबर को भी आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है, इशू डेट, इशू बाय, इशू सभी को खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नहीं तो आप स्कैन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डिजी लॉकर से नीचे में देख पा रहे हैं डायरेक्ट अटैच कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने यहाँ पे आज का पूरा डिटेल, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सबमिट, तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद ये आपका रसीद हो गया, इसको आप प्रिंट कर लीजिए, तो यहाँ पे जब आपका प्रिंट कर लेंगे ये आपको रसीद हो गया, यहाँ पे आप देखिए प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको मेल पे भी गई होगी, अगर आप ईमेल एड्रेस दिए होंगे अभी अप्लाई कर दो। यहाँ पे दिया गया कब मिलेगा आपको, यहाँ पे 10 कार्य दिवस के दिन मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैंने आज 18 तारीख को किया तो 30 तारीख को मिलेगा, अप्लाई करने के बाद 10 कार्य दिवस को ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसकी फोटो कॉपी लेकर, और ये आप लेकर ब्लॉक में जाएंगे जिस तारीख यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेंगे उस तारीख को आपको जाना है, और वहाँ से आपको ले लेना है अपना आय प्रमाण पत्र बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन किस तरह डाउनलोड करेंगे आप कमेंट फटाफट करते जाइए, मैं नई वीडियो में बता दूंगा किस तरह आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे इस सर्टिफिकेट। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, आज आपने सीख लिया किस तरह आय प्रमाण पत्र आप न्यू वेबसाइट से न्यू तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, इसलिए वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।